फायर का प्रयोग किया गया शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान के लिए और उनको यहाँ पर शहादत हासिल हुई। उसके साथ में जब गांव के अंदर खबर फैली तो गांव के अंदर एक शोक का माहौल था, चारों तरफ लहर शोक की लहर फैल गई, दुख का माहौल था। ये था, ये जरूर है कि भाई हमारे यहाँ पर हमें गर्व महसूस होता है, लेकिन उस वक्त जो शोक का एक माहौल था वो माता पिता और पूरा परिवार उस चीज को सहन कर रहा था। यहाँ से सभी जो है पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे, तब वहां पर एक कवि लिखता है कि प्रेम गीत कैसे लिखूं, प्रेम गीत कैसे लिखूं जब चारों तरफ गम के बादल छाए हैं, प्रेम गीत कैसे लिखूं जब चारों तरफ गम के बादल छाए हैं। नमन है मेरा उन शहीदों को जो तिरंगा ओढ़ कर आए हैं, नमन है उन शहीदों को मेरा जो तिरंगा ओढ़ कर आए हैं। अब पार्थिव शरीर की जो उनकी आखिरी अंतिम विदाई है, जो यात्रा है, हम उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वहां से जो बारामूला दो उनकी जगह थी, वहां से पार्थिव शरीर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले श्रीनगर के अंदर उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। श्रीनगर से वो चलते हुए दिल्ली के अंदर आते हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके बाद में वहां पर उनके पैतृक गांव वास के अंदर उनको लाया जाता है। अंतिम विदाई का माहौल होता है, अंतिम विदाई का समय होता है और आप लोगों ने सभी यहां साक्षी थे, सभी लोग यहां पर थे। आप लोगों को पता है जिस इस पावन भूमि पर आज हम खड़े हैं, उस वक्त इस धरती के ऊपर पूरे गांव के अंदर पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। एक बेहतरीन जन सैलाब, एक हुजूम उमड़ पड़ा था शहीद की अंतिम विदाई के लिए। सबके दिलों के अंदर एक जोश, एक जुनून और पाकिस्तान के प्रति गुस्सा और साथ में शहीद के प्रति जो लगाव, वो साफ झलक रहा था। उसके बाद यहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है और उनके साथ आए उनकी रेजिमेंट के 327 मीडियम रेजिमेंट जो उनकी है, उनके अधिकारी, जेसीओ और साथ में जवान, वो सभी आकर के यहाँ पर उनको राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देते हैं और यहाँ पर पूरे सलामी के साथ उनका उनके उनको शहादत को अंजाम दिया जाता है, शहादत पूरी की जाती है। गांव वाले, बाकी दूसरे पड़ोसी गांव वाले, प्रदेश दूर दूर से जो लोग आए हैं, उन सभी ने नम आंखों के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि उनको दी। मैं ये कहना चाहता हूँ काश में इस शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। अब उनकी उपलब्धि के बारे में, उनको 15 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा सेना मेडल मिला है और ये जो उनकी जीवनी है जो आप लोगों के सामने रखी गई है, इसका उद्देश्य यही होता है कि जो मेरे सामने जो युवा साथी खड़े हैं वो इनसे प्रेरणा लें कि एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर से निकल करके कोई अपनी मेहनत के बलबूते पर कहां तक पहुंच सकता है। एक जमींदार फैमिली से निकल करके एक इंसान सेना मेडल हासिल करके लेके आया है। कुछ भाग्य ऐसे होते हैं जो खुद जो हमें भाग्य से मिलते हैं, कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमें भाग्य से मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उनको जैसा मिलते हैं वो अच्छा करते हैं। तो उनके लिए लाइन लिखी गई है कि भाग्यशाली वे नहीं होते, भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। लास्ट में मैं इनके माता पिता परिवार को सब सब प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने बेटे को देश को समर्पित कर दिया, और मैं सभी गांव, पड़ोसी गांव और यहाँ पर जो सेना के अधिकारी हैं पूरे देश को धन्यवाद करता हूँ कि पूरी हिम्मत के साथ उनके परिवार के साथ खड़े रहे और उनके परिवार का हमेशा हौसला बढ़ाया है। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। लास्ट में हम नारा लगाएंगे, जोर से बोलेंगे सभी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
हिंद, जय भारत।